हे फैमिली, मॉर्निंग का सीन है ये। मैं सुबह उठ करके पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद घाट पे जाऊंगी। खाना इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि आने के बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। आधा खाना बना करके जाती हूँ, फिर आधा आने के बाद बनाती हूँ। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर नहा धोवा करके तब घाट पर जाने की तैयारी होगी। हे फैमिली, देखिए हम लोग घाट पर आ चुके हैं। बहुत से लोग डाला लाते वक्त ढोल ताशे वगैरह बजा कर खिलाते हैं और बहुत ऐसे आ जाते हैं। सॉरी फॉर मैं डाला लाते हुए का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कुछ इशू की वजह से नहीं बना पाई थी। तो अभी यहाँ का जितना भी हो सकेगा मैं क्लिप ज़रूर रेडी रखूँगी, आप तक ज़रूर शेयर करूँगी कि अभी के टाइम में क्या होगा। अभी तो हम घाट पे पहुँचे हैं, घाट कितना भीड़ हो चुका है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 3 बज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए कितना भीड़ है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया आप शीघ्र मंच पर पधार रहे। 50 रुपये सहयोग राशि आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर पूजा से मुझे आप हार्दिक स्वागत करते हैं और पास्टर भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारी माताएं बहने भाई लोग जो भी अनुष्ठान को प्रीति से रखे हुए बिना खाए पिए हो और इतना ही कठिन पर महापर्व मना रहे हैं और जल्दी आशा है कि भास्कर भगवान सभी भक्तों की आवाज को सुनेंगे और दर्शन देंगे। जय श्री भैया, जय श्री भैया। ये आ गए श्रीमान आदरणीय सुरेंद्र गवास जी, आदरणीय सुरेंद्र गवास जी, उनके तरफ से यहाँ देखिए अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, यानी कि अब थोड़ी कुछ ही समय के बाद सूर्य भगवान उदय होंगे। और ये बच्चे इसलिए दूध डाल रहे हैं कि जिनका मनता होता है कि मतलब दूध डालना एक मनता होता है, तो ये लोग दूध डाल रहे हैं। जैसे ही सूर्य उदय होंगे सभी जितने व्रती हैं सभी सूर्य को अर्घ देते हुए अपना व्रत संपन्न करेंगे। ये देखिए अब सूर्य को अर्घ देने का टाइम आ गया है। मेरी मम्मी एक एक करके सभी अर्घ जितने भी अर्घ है सूर्य को अर्घ देंगी। देखिए इस तरह साथ रहा तो वो अभी भी आएगा जिस दिन आप पूरी
बड़ी शक्तियां होते आप सभी के सहयोग आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। धन्यवाद। पूजा का समय हो चुका है। हमारे माताएं पाने आए हैं, जितने भी कुल के घाट जाने वाले हैं उनसे आग्रह है कि कृपया उनको जगह दें। अर्घ देते के वक्त इतना भीड़ हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एक तो इतने सारे अर्घ रहते हैं तो अपना अर्घ पहचानना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए मेरे भैया यहाँ पे मेरी मम्मी को एक एक करके अपना अर्घ दे रहे ताकि वो सूर्य को अर्घ दे। उगते सूर्य को अर्घ देते हुए ये 4 दिन का महापर्व आज समाप्त हो जाएगा। अब आज से बहुत ही शांति रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि एक शादी के बाद एक बेटी की विदाई हो जाती है, वैसे ही आज छठी मैया अपने मायके से अपने ससुराल चली जाएंगी। बहुत ही शांति लगता है, मन नहीं लगता है, कैसे 4 दिन बीत जाते हैं इतनी धूमधाम से, कुछ पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। Oh, yeah.
अब पूरा अर्घ दे चुकी है मेरी माँ। अब देखिए हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं। अर्घ देने के बाद मेरी माँ चेंज वगैरह करके जितनी भी व्रती हैं और जितनी भी लोग रहते हैं सभी व्रती से आशीर्वाद लेती हैं और मेरी माँ और जितनी व्रती हैं उनको टीका या जो शादीशुदा उनको सिंदूर लगाते हैं सबको सिंदूर लगा रही है मेरी माँ। उसके बाद खींच देंगे, खींच मतलब प्रसाद देंगे। माँ के आशीर्वाद से आज का वीडियो खत्म होता है। महापर्व का ये वीडियो आज लास्ट था। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी सारी ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।